अगर सीएनजी लगवाते तो कहीं ना कहीं अगर आपको आपके सामान वगैरह डालना हो तो वो स्पेस नहीं बन जाता, स्पेस मार खा जाता। जो भी इस टाइप का जो है स्पेस बिल्ड क्वालिटी अगर बात करते हो तो है ही यार, चाहिए था वो हमको कोल्हापुर में तुरंत मिल गया, इसलिए हमें बुकिंग करके 15 दिन के अंदर गाड़ी लेके आए। गाड़ी तो भाई बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन कम होते गए सेल, लेकिन इसके यूनिट्स अभी भी बिकते हैं क्योंकि टाटा का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये टाटा पंच। उसके बाद ये छोटा सनरूफ आपके लिए मैटर करता है, है यूज है इसमें? हाँ यूज, वो कहीं छोटे बच्चे के लिए खाली सनरूफ आप ओपन करते हैं तो गाड़ी का स्पीड पे थोड़ा सा ये आ जाता है, लेकिन वो खाली बच्चे के लिए वो ठीक है, सही है। स्टेयरिंग को खाली लेदर आता है कवर, और उसको गियर, जो गियर का पर जगह है उसका आता है, बाकी भी नहीं आता है लगवा के लिए। हेलो भाई, मैं ओमकार, ये है जो है वो देश का लोहा टाटा की पंच। अब इस गाड़ी के जो लॉन्च हो के 3 साल हो चुके हैं, अब इस 3 साल में इतने ज़्यादा यूनिट जो है वो गेन कर लिए इस गाड़ी ने कि ह्यूंडई की इस एक्सटर भी आई जो भी इसकी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में चली जाती है, जो भी इसको टफ कंपटीशन देने के लिए उन्होंने लॉन्च कर दी। उसके यूनिट तो 2-2.5 हज़ार दिन में बिक तो पाए, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने जैसे जैसे जून महीने में लॉन्च हुई थी वो एक्स्टर जो है वो कम होते गए सेल, लेकिन इसके यूनिट्स अभी भी बिकते हैं क्योंकि टाटा का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये टाटा पंच, और उसके बाद नेक्सॉन भी वही प्लेटफॉर्म पे आता है। और ये जो है वो मोनोकॉप चैसी में बनी हुई है, जितनी भी गाड़ियाँ मतलब टाटा की हैरियर भी आती है मोनोकॉप चैसी में बनी है। अब जो ओनर इसको ये टॉप एंड वेरियंट है फिलहाल आप देख रहे हो, ये फिलहाल यहाँ से दो दरवाज़ा मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे अगर मैं खोलता हूँ ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो ओनर रन करते हैं पूरा का पूरा जो है वो टॉप एंड वेरिएंट है क्रिएटिव डीटी का पहले वाला, मतलब ड्यूल टोन के पहले वाला ये क्रिएटिव। उसके मैनुअल ट्रांसमिशन विदाउट सीएनजी उन्होंने ले लिया है, तो एक्सपीरियंस जान लेते हैं इस तरह से टाइप कीलेस वगैरह एंट्री ये सनरूफ वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया सा आपको ये गाड़ी ऑफर कर लेती है, लेकिन इनलाइन 3 सिलेंडर के सेटअप के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। तो सबसे पहले अपने चैनल में भाई साहब स्वागत है यह गाड़ी के, तो पास तो आप टाटा पंच इंट्रोडक्शन बताओ, आपका नाम बताओ। मैं गिरीश पालकर धोपते देवगढ़। मेरा क्या गाड़ी लेने का सपना था और इसलिए मैंने इसको चुना है, और इसके हाई रेटिंग सेफ्टी है इसलिए हमने सेफ्टी के लिए एक लिया अपने की सेफ्टी के लिए कंसल्ट हो और सेफ्टी ओरिएंटेड हो, क्योंकि है भी मारुति सुजुकी और ह्यूंडई ये नहीं दे पाएगी। ऐसे कैबिन में बैठते वक्त फील होता है कि आप एक भारी भरकम लोहे में बैठे हुए हो, है कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ हमें, मैं पूछता हूँ अभी पहले बताओ करते क्या हो, बिजनेस क्या है, क्या करते हो? लॉजिंग बोर्डिंग का बिजनेस, मतलब रूम रेंट पे देते हो? कितने भी टूरिस्ट आते हैं क्या आते हैं, मिलता है कस्टमर्स वगैरह पीक शेड्यूल में सीजन में? अच्छा, अभी तो चल रहा है फिलहाल। तो कब ली थी भाई साहब ये टाटा की पंच? अक्टूबर के लिए, 6 महीने हो गए। हाँ, अक्टूबर को मैंने ली है गाड़ी। 6 महीने में कितनी चला के फिलहाल? तो 2500 किलोमीटर चल दी, 3000 चलने वाली है अभी पेट्रोल में। पेट्रोल क्या मायले भाई साहब, आपने सीएनजी नहीं ली? एक तो लोग सीएनजी लेना पसंद करते हैं, अब आप सीएनजी की तरफ नहीं गए और आपने सीधा जो है वो 10 लाख रुपए के ऊपर डाल दिए, आपको सनरूफ मिलता है, सब कुछ मिलता है, कीलेस एंट्री मिलती है, बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन सीएनजी नहीं मिलता, वो माइलेज नहीं मिल पाता। अब एक बात बताओ अपने ऑडियंस को कि क्या माइलेज पेट्रोल में सिंपल आप निकाल रहे हो? कंपनी का तो 20 है लेकिन मेरे को 18-19 को मिलता है। 18-19 मिल जाता है सच में? ये बात अभी भी मैं MIDs पे चेक करूँ ये सच लगेगी? 18-19 मिल जाता है उस पर आप सेटिस्फाइड हो? तो आप ऐसे बंदे हो, जेन्यून बंदे मुझे पर्सनली लगे कि मुझे अभी आपकी बात पता चली। अगर सीएनजी लगवाते तो कहीं ना कहीं अगर आपको आपके सामान वगैरह डालना हो तो वो स्पेस नहीं बन जाता, स्पेस मार खा जाता। जो भी इस टाइप का जो है स्पेस बिल्ड क्वालिटी अगर बात करते हो तो है ही यार, पंच वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है टॉप एंड में, ऐसे आता है पूरा पंच लिख के। थोड़ी गाड़ी है तो कंजेस्टेड हो रही है, ये देखो 260 जो है वो लीटर का बूट आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे टैंक आ जाता है फिर भी जगह बच जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर किसी मेहमान को छोड़ना हो, रिश्तेदार को छोड़ना हो, रिलेटिव्स को, तो बैग 2 लगेजेस भी नहीं आ पाएंगे, वो पूरा आपको बीच में डालना पड़ेगा सब कुछ, है कि नहीं? स्पेस कम मिलता है। और 18-19 की माइलेज, इतनी भारी बिल्ड क्वालिटी को सेटिस्फाइड हो, खुश हो? अच्छा, इससे पहले कोई बंदा देखता है 10 लाख की प्राइस सेगमेंट जैसे ही क्रॉस करते हो मन में आता है एक थोड़ी ऊंची गाड़ी ले लूँ, क्योंकि ऊंची गाड़ी का ज़माना चल रहा है, जितनी ऊंची गाड़ी पैसा उतना। अब ये माइक्रो एसयूवी में चली जाती है, इसके कंप्यूटर में वेन्यू आती है, उसके बाद जो है वो किया की सोनेट आती है। सोनेट किया की तरफ नहीं गए वो किया भी क्या? नहीं, बजट है उसका, मैंने मैं ये किया था कि 10-10.5 लाख तक ही गाड़ी लेने की है, वो भी हाथ आती है उसका पहले बेस मॉडल EX मॉडल लेने का है वेन्यू का। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन हमने ये पसंद कर दी, ये हमारे एक फ्रेंड ने भी गाड़ी ली है अभी, ये वही है टाटा पंच और वो इससे पहले वाला मॉडल है। मैं बता दूं देखिए उसका सब फीचर देगा, थोड़ा 50,000 ऐड कर 2 लाख 1-1.5 लाख ऐड करके हमने टॉप का मॉडल लिया,
मतलब सोचा, सोच समझ के लिया, पढ़ाई करके, मतलब जो है स्टडी करके फिक्स करके ले लिया। लेने का सोचा ना इसलिए कि चेंज ना लेने का, ज्यादा हमारा ये होता नहीं है क्या, रनिंग नहीं होता है और बूट भी मार खाएगा वो, इसलिए वो सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ी। बाकी ट्यूबलेस टायर वगैरह 195/60R16 मिल जाता है, टायर है ना वो ब्रांड है। और एक फायदा है आपका इस गाड़ी का पता है आपको, टॉप एंड वाले 16 इंच के मिल जाते हैं टायर, 16 इंच, जो भी बेस मॉडल में 15 इंच आते हैं वो बगल में, और इस तरह से जो है वो मेरे ख्याल से व्हील कैप्स आते हैं। ओके, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रहा है और वो भी कुछ कंपनी फिटेड करवाने की जरूरत नहीं। तो ये सब जुगाड़ पहले से ही सोच रखा था कि दिखनी चाहिए तो प्रीमियम गाड़ी दिखनी चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है, व्हील कैप हो, मैग व्हील्स हो, ये थोड़ा चिप लगता है ना। एक ही टाइम झंझट होती है कीलेस एंट्री। ओके, अब आप बटन और की में इसमें फर्क पड़ जाता है 2-2.5 लाख उसकी बटन वाली, नहीं की की बात करते हो 9,80,000 तक आ जाते हैं विदाउट सनरूफ वाली, और वो बेस मॉडल स्मार्ट वेरियंट उससे पहले कौन सा लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं थी कि फैब्रिक था, नहीं लेदर नहीं था उसका, टॉप एंड में भी लेदर नहीं आता मेरे ख्याल से, स्टीयरिंग को खाली लेदर आता है कवर, और तो गियर, जो गियर का पर जो ये है उसका आता है, बाकी भी नहीं आता है, बाकी सब ये लगवा के लिए है, बाकी लगवा के लिए। भाई सब एक बात बोलूँ, जहाँ पे आपने जो लेदर लगवाया ना, ये एक्चुअल प्रॉपर लेदर है, प्योर लेदर बोला था उसने, कितना टोटल खर्चा है ये पूरा जो है वो, लेकिन हमको 11-12-8 और ये इसमें भी क्लास होते हैं, सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी, टोटल कितना आया? 6,000 तक सब आया है, लगा तो दिया है बिल्कुल सही, लेकिन बात तो फिटिंग की बात करते हो ना, तो ये कॉर्नरिंग है थोड़े ना, और भी हो सकते थे, ये देखो थोड़ा सा ना ये अंदर नहीं जा पा रहा, ये बाहर ऐसे जो बल्कि हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई भट्टा कट्टा इंसान बैठता है ना तो रैशेस आते हैं, मतलब स्वेलिंग मार्क्स आ जाते हैं उसमें, जैसे बिल्ली बैठती है ना स्क्रैच करके, वैसे एयर रहती है उसमें, तो वो प्रॉपर वो स्टीम करना पड़ता है ऐसे, गर्म ऐसे स्टीम करके स्टिच करके प्रॉपर बिठाना पड़ता है ऐसे, वो इधर मुझे मेरे ख्याल से नहीं हो पाया उतना खास, लेकिन ठीक लग रही है इस कलर के साथ जो है वो मैच कर रही है बहुत, थोड़ा कॉफ़ी कलर है भाई। पेट्रोल में टोटल टैंक 38 लीटर तक आ जाता है आराम के साथ, सिर्फ पेट्रोल, मतलब आप ऐसे इंसान रहो कि क्या कि कोई ज़रूरत ही नहीं है सीएनजी की, और 16-12 किलो का आता है, और लमसम उतना आता कितना, प्रेशर टाइट हो तो 12 किलो आएगा, नहीं तो 9 किलो आएगा, और जाना किधर है बराबर, एसी कैसे चिल्ड आउट कर देता है, इसलिए एसी तो बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, जो भी इसी प्राइस सेगमेंट में आपको वेन्यू है सोनेट है, लेकिन वो 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है, इसमें एक सिलेंडर हटा दिया है, वो रिवर्स लेते समय मुझे पर्सनली इस गाड़ी में खड़खड़ 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 सी वाइब्रेशन पहले आती है रिवर्स लेते टाइम, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भारी है, और फिर से फर्स्ट लेते और एक्सलेट नहीं करते तो फिर भी नॉकिंग करती है गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ वॉबल करती है, वो आपको फील हुआ है थोड़ा? नहीं नहीं, शुरुआत में कुछ भी नहीं नहीं हुआ नहीं, नहीं। मतलब ये आप जहाँ पे आप गियर डालते हो ये, और अगर आप मान लो उतार पे नहीं हो, नॉर्मल रोड पे हो, और इस तरह से अगर आप कोई गियर डालते हो, रिवर्स डालते हो, ये स्टार्ट करते हो, ओके अभी तो स्टार्ट नहीं होगी फिलहाल तो, लेकिन स्टार्ट करते हो तो अगर एक्सेलरेट नहीं करते आप, एक्सेलरेट नहीं करते हाँ, हाँ तो स्ट्रेट रोड पे, डिक्लाइन इंक्लाइन नहीं पोजिशन, स्ट्रेट रोड पे ऐसे ये गाड़ी पहले इनिशियल आरपीएम में ऐसी थोड़ी गड़गड़ गड़गड़ वाइब्रेट करती है थोड़ी, जो भी 3 सिलेंडर है इसमें, इसलिए मेरे को तो अभी ऐसा नहीं लगा, मेरा रनिंग भी बहुत कम है, इसलिए होगा क्योंकि फ्रेश मटेरियल है, मेरे को तो ये इसमें नहीं आया। की कहाँ पे आपकी, यहाँ पे दे दो, लगना चाहिए वो, क्या वो गियर में देखो है ना, हाँ वो क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, गाड़ी वो स्टार्ट हो नहीं। भैया भाई साहब आपने 2,523 किलोमीटर चला दिया लमसम, ओके तो आप 2,523 किलोमीटर में पहली तो सर्विस हो रखी थी, अभी दो सर्विस हो गई है, दो सर्विस हो गई, पहला तो 1 महीने के बाद, दूसरा 6 महीने के बाद, तो दो हो गए, दो सर्विस, 6 महीने या 7,000, तो मेरा 7,000 तो अभी हुआ नहीं है, 6 महीने हो गए, अभी 2 तारीख को दूसरा सर्विसिंग करके लाए हमें कोल्हापुर से। बस एक तो बात सही है इस गाड़ी की, टॉप एंड वेरियंट है तो आपको पूरा डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें से ये भी डिजिटल है लेकिन ये एनालॉग मिलता है, ये जुगाड़ मुझे मतलब एंट्री लेवल प्राइस सेगमेंट है ठीक है। आप ऐसे बंदे हो क्या कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बराबर, इसके बाद आपको कोई आफ्टर मार्केट करना नहीं होगा है कि नहीं खेल, और इसके क्या भाई साहब ये मायने रखता है आपके लिए, 50 लाख की सेलिब्रेशन निकाल रहा है ये जो टाटा है, वो 50 लाख गाड़ियां सेल करना कोई कॉमन चीज नहीं होती है कि नहीं, सब सोच के हमने गाड़ी ली है,
बस अब और एक जर्नी बताओ, जब लेने गए थे कब मिली थी, कैसे वेटिंग किया था, कहाँ किस शोरूम से ली थी? मेरे को 15 दिन में मिल गई। कहाँ पे शोरूम में ली थी? कोल्हापुर में जो टाटा का शोरूम है, गोकुल शिरगांव में। गोकुल शिरगांव रोड में, उधर हमने इसे गाड़ी ली है। हमने तीन जगह पर जांच की थी, मुंबई, रत्नागिरी और कोल्हापुर। तो हमारा जो मॉडल हमको चाहिए था वो हमको कोल्हापुर में तुरंत मिल गया, इसलिए हमें बुकिंग करके 15 दिन के अंदर गाड़ी लेके आए। गाड़ी तो भाई बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन एक बात बताओ, जब गाड़ी लेने गए थे कोई वेटिंग पे रखा था क्या कि आया था कि बुकिंग आईडी इतने बुकिंग अमाउंट भरने पड़ेंगे तब आपको देंगे, ऐसे कुछ नहीं। मतलब वेटिंग पे नहीं, इजीली मिल गई। टॉप एंड था ना इसलिए मिल गई, बेस होता तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता आपको, लेकिन बेस भी उसका 6,80,000 में एक शोरूम आता है, 7 लाख तक आ जाती है गाड़ी। भाई साहब एक बात बताओ, जहाँ पे अपना जो है वो कश्मीर गुलमर्ग तो 2 डिग्री सेल्सियस नहीं, इतने गर्मी में फिलहाल राजस्थान से भी ज़्यादा हो रखी है, ये आपको मैटर अभी करता है? ये छोटा सनरूफ आपके लिए मैटर करता है? यूज़ है इसमें? हाँ यूज़ है, छोटे बच्चे के लिए खाली सनरूफ आप ओपन करते हैं तो गाड़ी का स्पीड पे थोड़ा सा ये आ जाता है, लेकिन वो खाली बच्चे के लिए ठीक है, सही है। लेकिन एक बात बता दो, जहाँ तक की एंट्री है ना गाड़ी की, हर एक गाड़ी की एक्सयूवी जो है वो 300 में सनरूफ, देखो इसकी पोजीशनिंग ना थोड़ी आगे है उससे, थोड़ी आगे। तो हाँ, इन्होंने क्या कर दिया मैं बता दूँ, ये सनरूफ है वो थोड़ा इस इधर पीछे भी नहीं और एकदम आगे भी नहीं, बीच सेंटर के थोड़ा सा क्रॉस करके टिल्ट कर दिया। उससे फायदा क्या होगा पता है, आपके बच्चे है अगर शरारत करते हैं मान लो, तो इमीडिएट चलती गाड़ी में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए सनरूफ में, वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ऐसे सनरूफ की डिज़ाइन की है कि आपको धूप अगर ओपन भी रखते हो अभी धूप का जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी टिंटेड ग्लासेस है। अभी मैं दिखा दूँ इसको, ये देखो टिंटेड ग्लास है, पूरी टिंटेड ग्लास है, थोड़ी सी ब्लूइश पैटर्न में है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड है। अब एक बात बताओ, एक आप रखते हो 2,000-2,500 किलोमीटर घुमाते हो, पहले सर्विस कितने पैसे लिए थे? फ्री की थी, फ्री है, एक भी रुपया नहीं थी, पर ऐसा कुछ बोला था कि ये डालो वो डालो, कुछ भी नहीं, पेपर मैट के पैसे या फिर कुछ भी, एक ही पैसा नहीं, दूसरे सेकंड सर्विस को भी नहीं। अब एक बात बताओ अपने ऑडियंस को, पहली सर्विस हो रखी है, क्या बोला था, कितने साल की सर्विस है, फ्री सर्विस कितनी है, पैक कितना है, क्या है कुछ बताओ। मुझे बोला खाली 2 सर्विस फ्री में हो, पहला और 6 महीने के बाद का, वो दोनों मेरे हो गया अभी। दो हो गई सर्विस, पहले सर्विस कितने किलोमीटर के बाद? तो एक पहले सर्विस कितने किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर या 1 मंथ, मतलब ऐसे भी होता है क्या उनका? नहीं है, किलोमीटर हिसाब नहीं है, मंथ। सेकंड है 2, 7,000, 6 मंथ, जो पहला होगा 7,000 तो हुआ नहीं है, 6 मंथ हो गया, इसलिए हमने करवाया। अब वो मिल गई गाड़ी आपको, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये एक बात बताओ, एज अ टाटा के प्रोडक्ट पे अगर आफ्टर सेल सर्विस कराना चाहते हो तो ऐसा माना जाता है कि सुजुकी और ह्युंडई रीसेल में वैल्यू में सुजुकी सबसे ज़्यादा है, तो अगर 5-6 साल में बेचते हो गाड़ी तो आपको लगता है कि ये गाड़ी आपको पैसे देगी रीसेल वैल्यू में? क्योंकि सुजुकी की रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा है मुझे लगता है, तो आफ्टर सेल सर्विस नहीं, इतना तो मेरे को अभी मैंने, लेकिन पंच है, पंच ज़्यादा बिक रही है तो मिल जाएगी। लेकिन इधर नहीं, बाहर मिल जाएगी, प्योरली मिल जाएगी। भाई साहब जहाँ पे रहते हो आप, थोड़ा सा रिमोट एरिया है, टाटा के शोरूम पास में ही नहीं है, 100 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा आपको। कहाँ पे जाते हो? कनकौली में भी हुआ है? दो सर्विस हो रखी है फिलहाल, ओके। दो सर्विस का एक्सपीरियंस आपका तगड़ा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जो टाइम शेड्यूल दिया है उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से चेकआउट किया गाड़ी ने, दी हाथ में परफेक्ट, फोन वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड रखते, कोई सी भी दिक्कत नहीं आई आपको। और उसके बाद जो पेड सर्विस है, कितने किलोमीटर पे कितने, क्या बोले थे अपने ऑडियंस को बता दो? अभी जो तीसरा होगा 1 साल के आसपास, उसको जो सब पेड है, उसको ऑयल चेंज होगा, 10,000 के अंडर हो जाती है सर्विस, बाकी उसमें ऑयल फिल्टर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, नहीं है एसी के फिल्टर वगैरह चेंज हो जाते हैं, मतलब जो गंदगी हो वगैरह कुछ भी, तो ऑफ कर देते, ओपन विंडो करके ज्यादातर के चलाता तो इस मौसम में, या फिर चलाते वक्त एसी इस्तेमाल करते, यूज करते, डेली एसी करता हूं, एसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं रह सकते आप। घर पे भी लगवाया या एसी? आप पास में ही है घर उनका। अच्छा भाई साहब का जो मिली है हम, उनके जो है वो बुकिंग भी, एड्रेस भी जो है वो डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में के, ये जो है वो उनके जो होटल रेसिडेंसी एरिया है वो बुक भी करवाते हैं, रूम वगैरह की सर्विसेज भी देते हैं, होटल की सर्विस भी देते हैं, और वो जो है टाटा पंच जो है वो टॉप एंड वेरियंट क्रिएटिव मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑन करते हैं, जो इस तरह से कुछ जो आपको दिखाई पड़ता है डायमेंशन वाइज वगैरह से, बाकी सेम है। लेकिन ऑन रोड कितने में पड़ी बता दो अपने ऑडियंस को? 10,50,000, 10,50,000, 11 लाख क्रॉस नहीं किया, ड्यूअल टोन 11 लाख क्रॉस कर देता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे टाटा पंच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।